गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन चंद्र, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, और मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग सभी का जो है कि स्वागत करते हैं। तो आज देखिए बच्चों, ये आप लोगों का BSc सेमेस्टर 1 या फिर BTech सेमेस्टर 1, ठीक है, ये आप बुक देख रहे हैं। तो ये आप लोगों को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों लोग के लिए भी और जो लोग BTech कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी। तो आप देख रहे हैं ये जो पेपर है ये 100 नंबर का रहता है, ये भी पेपर जो है कि 100 नंबर का रहता है। तो चलिए मैं अभी जो है कि इसको हम लोग जो है कि पेपर 1 कहते हैं और इसको हम लोग पेपर 2 कहते हैं। हम लोग पेपर 2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, पेपर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है यहां पर देखिए, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस आज पढ़ाएंगे आप लोगों को, पेपर 1 100 मार्क्स का रहेगा और पेपर 2, और ये जो है कि देखिए पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों का दोनों जो है कि 100 मार्क्स का रहेगा। और अभी हम आप लोगों को पेपर 2 पढ़ा रहे हैं 100 मार्क्स के लिए। अलजेब्रा जो है कि आप लोगों का जो है कि 100 मार्क्स का रहेगा। अभी आप देख रहे हैं अलजेब्रा में जो है कि हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, और यहां पर आप देखिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों का कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप कंपेयर कीजिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर एन। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर एन, मैं जरा यहां पर इसको समझा देता हूं, इसको डीमॉर्गस थ्योरम की मदद से इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर होल का पावर एन, तो इसको हम लोग बाद में प्रूव करेंगे कि कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, मतलब जो एन है वो थीटा में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये जो एन है वो थीटा में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मैं जरा बोलता हूं आप लोगों को, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स के जगह पर आपका क्या है कॉस थीटा है और वाई के जगह पर क्या है आपका साइन थीटा है। जरा इसको कंपेयर कीजिए, और ये कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हो गया। ये कैसे हुआ, तो डीमॉर्गस थ्योरम की मदद से हुआ, जो कि मैं अगले लेक्चर्स में आप लोगों को दूंगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी होल टू दी पावर एन है, ये एंगल में मल्टीप्लाई हो गया। जरा इसको कंपेयर कीजिए कि एक्स और यहां पर कॉस एन थीटा है, तो एक्स के जगह पर कॉस एन थीटा है और वाई के प्लेस पर क्या है साइन एन थीटा है, ठीक है। अब आज जो है कि इंट्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्या है इंट्रोडक्शन में, ए नंबर ऑफ द फॉर्म जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ए नंबर ऑफ द फॉर्म जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, अगर वो नंबर इस फॉर्मेट में है एक्स प्लस आयोटा वाई, जो कि आज बेसिक क्लास चलेगा, कुछ ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ाएंगे आप लोग, बेसिक जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट करेंगे, वो जो है कि ज्यादा मजबूत करेंगे, मतलब कि आज जो है कि फाउंडेशन क्लास एक तरह से कह सकते हैं कि ये फाउंडेशन क्लास है आप लोगों के लिए, फाउंडेशन क्लास एकदम न्यू आप लोग रखने जा रहे हैं अलजेब्रा पढ़ाने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई भी नंबर अगर एक्स जेड है वो एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में अगर है, जहां पर एक्स और वाई जो है कि रियल नंबर है, जहां पर एक्स और वाई क्या है रियल नंबर है, एंड आयोटा क्या है इमेजिनरी नंबर। और इसको हम लोग क्या करते हैं, आयोटा को कैसे लिखते हैं, तो रूट अंडर माइनस वन को ही आयोटा कहते हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इस इमेजिनरी नंबर को दो रियल के बीच में एड के थ्रू, एडिशन ऑपरेशन के थ्रू, एडिशन ऑपरेशन के थ्रू, जो बीच में देखिए ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑपरेशन के थ्रू अगर हम लोग एड कर देते हैं, तो इसी कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग क्या करते हैं कहते हैं, तब हम लोग इसको, इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो एक्स बराबर आपका टू है और यहां पर वाई बराबर आपका थ्री है, तो ये यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आगे हम आप लोग से पूछते हैं, चलिए आप लोग बताइए कि टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या, टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बोलिए ना, टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि टू हम बोलेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो अभी ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है एकदम, ये रियल नंबर है, ये क्या बिलोंग करता है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ठीक है ना। आगे क्लास में आप लोग देखेंगे कि रियल नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्ट्रिक्टली रियल होता है, तो ये स्ट्रिक्टली रियल नंबर है ना, आप लोग अभी जो है कि पढ़ क्या है कि रियल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करना ऐसे, लेकिन हम लोग हायर क्लासेस में, मतलब कि सेमेस्टर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि 2 एक रियल नंबर है तो ये तो कॉम्प्लेक्स बन नहीं सकता है, तो क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ एकदम लिख सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है। देखिए हम कैसे प्रूफ कर लेते इसको, 2+0 × iota। अब 0 के साथ iota मल्टीप्लाइड में है तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। अरे वैसे ही बात है ना कि 0 से अगर iota मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ तो 2 बचेगा, तो हमने लिख दिया ना 2 को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे आप समझिए कि 0 यहां पर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार से जब पापड़ जो है कि भात में मिल जाता है, जब पापड़ भात में मिल जाता है तो उसको खाओ या ना खाओ बात सेम होता है, समझ रहे ना? वो मतलब क्रिस्पी टाइप का, आपको क्रंची टाइप का आवाज नहीं आएगा, ठीक ना? तो उसको खाओ या ना खाओ बात बराबर। ठीक इसी प्रकार से जो है कि 2 या 2 के साथ 0 यहां पर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए हम लोग जो है कि 2 को एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दिए, 2+0 × iota, क्लियर है? अब मैं कहता हूं आप लोग से, ठीक है ना, अब जरा देखिए क्या 0 इमेजिनरी, देखिए 0 तो इमेजिनरी नंबर है नहीं दोस्तों, ठीक है ना? 0 क्या है? तो 0 रियल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है होल नंबर हो सकता है, ठीक है ना? तो अब मैं क्या कह रहा हूं आप लोग से कि 0 को आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 0 को आप कॉम्प्लेक्स के, हाँ एकदम हम लिख के दिखा सकते हैं। देखिए 0+2 × iota है ना, मतलब ऐसा एज ए हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि 0+0 × iota। देखिए कोई फर्क पड़ा 0 में? कोई फर्क पड़ा नहीं ना पड़ा। हाँ अगर आप चाहते हैं तो 2 × iota में लिख सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि 0 पर एक एक्स्ट्रा नंबर बढ़ गया ना, तो 0 चाहता है कि हम ऐसे ही रहे, ठीक ना? 0 चाहता है हम ऐसे ही रहे, तो मतलब 0 को हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखे और उसमें कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े, तो फिर यहां पर आपका क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, ठीक है ना? चलिए इतना क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा आगे, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये x1+i iota y1 होगा, जहां पर i1 जो है कि, जहां पर i जो है आपका क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। और Z2 क्या होगा, x2+i y2 होगा, जहां पर y2 एक रियल नंबर होगा, x2 भी आपका एक रियल नंबर होगा, और यहां पर x1 और y1 जो है कि आपका रियल नंबर होगा। अब जरा देखिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है? इसी प्रकार से Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है? जनरली देखिए ये सब आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ना था, तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में जो मैं डिमार्कस थ्योरम पढ़ाने जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में या फिर उसके अगले क्लास में, जब भी ये सब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय आप लोगों को बेसिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो मैं हर एक चीज को, जो बच्चा नया है या फिर जो बच्चा 11th नहीं पढ़ा है, तो अभी उन लोगों का सबसे अच्छा मौका है, मतलब ये जो बैच चल रहा है हम लोग का, ठीक है, लाइव क्लासेस चल रहा है, ये बहुत अच्छा मौका है। और आप लोग जो है कि ये एक लास्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है जिसमें आप अच्छा से सीख जाएंगे, ठीक है? अभी नहीं सीख पाएंगे तो फिर बाद में फिर दिक्कत होगा आप लोगों को, ठीक है? आगे की क्लासेस में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां तक आप लोग समझ गए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है कि हम Z1 Z2 Z3 .. देखिए आप जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर आप ऐसी जो, जैसे आप फेमिलियर है अभी एनसी फेमिलियर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 3 .. चलता रहता है, ठीक है ना? बहुत इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सब नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है? होल नंबर की बात करें तो ये एक प्रकार में सेट बना रहा ना, सेट किसको कहते हैं आप लोगों को मालूम है, ठीक ना? वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। यहां पर देखिए 1 भी वेल डिफाइंड है, 2 भी वेल डिफाइंड है, और रिपीटेशन नहीं अलाउ होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर मान लीजिए किसी नंबर में, नेचुरल नंबर में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर हम 1 और 1 को एक साथ रिपीट कर दे और फिर 2 लिख दे तो फिर यह नहीं होगा सेट, क्योंकि यहां पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड कहता है, लेकिन यहां पर रिपीटेशन अलाउ हो गया, रिपीटेशन हो गया यहां पर ना, तो ये दिक्कत है। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है? और आप लोग ऐसे और भी बहुत सारा कर सकते हैं, ये क्या है, सेट ऑफ होल नंबर से, 1 0 1 2 3 .. ऐसे ये सब सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है? तो अभी मैं क्या कहता हूं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अगर लिखने आप चाहते हैं तो लिखेंगे कैसे, वो मैं बताने जा रहा हूं। Z1 Z2 Z3 जहां पर Z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर, Z3 भी .. कहां तक जाएगा, Zn कॉम्प्लेक्स नंबर तक जाएगा। We denote the set of complex numbers by C.
तो हम लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब सी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर, ठीक है, डॉट 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 जेड एन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डॉट 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 लगाने का भी जो है कि तीन डॉट ही लगाते हैं। आप बोलिए क्यों लगाते हैं तीन डॉट, तो तीन ही डॉट लगाते हैं क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है मैटलैब, मैट्रिक्स में भी देखिएगा उसमें डॉट 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 का आप लोग काम करते होंगे, ठीक है ना, क्लास ट्वेल्थ में, तो उसमें आप लोग डॉट 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 तीन बार ही लगाते हैं क्योंकि अगर आप लोग को अभी से ये चीज सिखाया जाता है, मतलब क्लास ट्वेल्व से क्लास इलेवन से ही या क्लास नाइन टेन से ही आप लोग को जो है मैथ में ये चीज सिखाया जाता है कि तीन ही डॉट लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप पहले से सीखे हुए हैं और अगर आप क्या करते हैं कि आपका कंप्यूटर भी है, मतलब कहने का मतलब आपका एमएससी में कंप्यूटर भी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप मैथमेटिशियन हैं प्लस आप जो है कि सॉफ्टवेयर मैथमेटिशियन है, मतलब आप क्या करते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में मैथ्स को मैथ्स का सॉफ्टवेयर, तरह तरह के आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उस केस में अगर आपके पास तो कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए मैथ्स का, अगर आपके पास नॉलेज है तभी आपको उस काम को करने के लिए दिया जाएगा। तो उस केस में अगर आपको ये सब नॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोग भी जानेंगे चलिए तीन डॉट लगा देंगे चार डॉट लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्यूटर तो समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसमें तो एक सिस्टम है, उसमें जो हम लोग डाले हुए हैं वही वो समझता है, जो उसमें प्रोग्रामिंग किए हुए वही वो समझता है, तो फिर उसको प्रॉब्लम होने लग जाएगा। इसीलिए हम लोग तीन ही डॉट दिखाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा पूछे कि तीन ही डॉट क्यों दिखाते हैं तो उसका रीजन मैं बता दिया। जेड बराबर अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक्स प्लस आयोटा वाई इस फॉर्म में रहेगा, और जहां पर एक्स आपका रियल पार्ट होगा वाई आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, क्लियर है। मैं इसका एग्जाम्पल लिख दिया हूं, टू प्लस फाइव आयोटा, और भी आप ले सकते हैं, टू के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, फाइव के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। जहां पर आपका फाइव क्या है, इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्योंकि आई के साथ है, और आपका टू क्या है तो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना, समझ गया ना। तो यहां तक क्लियर है। तो अब जरा देखना है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो जरा देखिए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो मान के चलते हैं कि लेट जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाई जेड का पावर बार, मतलब जेड के ऊपर में बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के ऊपर में बार लगा देते हैं। तो ये क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड डिफाइंड बाय, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं जेड के पावर बाय, मतलब बार जेड के ऊपर में बार लगा देते हैं, और जरा देखिए जेड आपका एक्स प्लस एल्टा वाई है तो सिर्फ इसके इमेजिनरी पार्ट में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, जरा देखिए यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। तो बस इतना ही है कॉन्जुगेट का मतलब, ठीक है। चलिए अब सब कुछ कीजिए, किसी का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालिएगा तो वो जेड हो जाएगा, मतलब जरा देखिए आपका कॉन्जुगेट क्या आया था, एक्स माइनस आयोटा वाई है, अब इसी का फिर दोबारा कॉन्जुगेट आप निकाल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है तो वो जेड है, ठीक है, ये जेड है। तो जरा देखिए जेड का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यही चीज हम बताएं, इसको आप साइड में लिख लीजिए। अब जरा देखिए जेड का, इसका मतलब यही हो गया कि जेड का कॉन्जुगेट एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा। देखिए यहां पर हमने इस चीज को प्रूफ किए, ठीक है। अब क्या है कि तीसरा नंबर में जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर लेते हैं तो जेड आपका एक्स प्लस आयोटा वाई है और जेड का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई है। तो अब जरा देखना है ये कैसे क्या हो रहा है, तो इसमें a प्लस बी आप लगा दीजिए, a माइनस बी, वहां पर मैं फॉर्मूला लिख दिया हूं a माइनस बी, a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी की मदद से एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन। जरा देखिए आयोटा बराबर आपका क्या है, रूट अंडर माइनस आई, इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वन के पावर रूट का मतलब हाफ होता है, ऊपर में हाफ लग जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। जरा देखिए माइनस वन के पावर टू बाई टू हो जाएगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस वन, माइनस वन के पावर वन बचेगा तो माइनस वन रिजल्ट आएगा, तो इसीलिए हमने यहां पर माइनस वन निकाल दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है, जेड इक्वल टू मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, मतलब रिजल्ट वैल्यू, ठीक है।
अब जरा देखिए ये कैसे होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक आपका जो है कि मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस आपने चला, एक्स डिस्टेंस, और ये रियल एक्सिस होता है, ये रियल एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। और ये जो चीज है ये इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी, आप लिख लीजिएगा इमेजिनरी, मैं लिख देता हूं बढ़िया से, इमेजिनरी एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को। अब जरा देखिए आप जैसे कि इस पॉइंट पर आप पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर आप चाहते पहुंचना, तो पहले आप एक्स एक्सिस में चलिएगा और फिर इस एक्सिस पर आप पूरा डिस्टेंस को कवर कीजिएगा, तो ये आयोटा वाई डिस्टेंस हो जाएगा आपका, और ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक। अब ये आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप जानते होंगे, तो यहां पर भी एक प्रकार का वेक्टर ही है ये। अब जरा देखिए, मतलब ये इसका हेड हो, ये इसका क्या हो गया, टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया, और फिर ये इसका टेल और ये हेड, तो रिजल्ट क्या होगा, ये टेल और ये हेड, ये रिजल्टेड हो जाएगा। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जरा देखिए, हाँ यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनोस के स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनोस आपका क्या है, इसको ओ मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी पर बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेनोस आपका ओ ए हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका ए बी का स्क्वायर, और बेस आपका क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। तो अब जरा देखिए ओ ए आपका क्या है, ओ ए आपका आप मान लेते हैं यहां से यहां तक, आप जो है कि ये जो चीज है इसको हम जेड मान लेते हैं, ठीक है, जेड मान लेते हैं, तो जेड का आप क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो मॉडुलस ऑफ जेड का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ये आपका ए बी जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आपको ओ बी जो है ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जब भी हम लोग मॉडुलस रिजल्टेंट निकालते हैं तो उस केस में हम लोग सिर्फ वाई और एक्स को लेते हैं, ठीक है ना, तो ओ बी क्या हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मॉडुलस ऑफ जेड का जो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मॉडुलस क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जरा देखिए उसी चीज को मैं यहां पर लिखा हूं कि जेड बराबर एक्स प्लस एटा वाई है, तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर होगा, ठीक है। और आप देख लीजिए इसका अगर स्क्वायर करेंगे, मॉडुलस का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसमें से रूट हट जाएगा, आप देखिए इसमें से रूट हट जाएगा, कैसे रूट हट जाएगा जरा मैं इधर बता देता हूं। अगर आप इसको स्क्वायर कीजिएगा, सपोज कीजिए मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर हाफ का होल स्क्वायर, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जरा देखिए यहां पर मैंने वैसे ही लिखा है, लिखा हूं कि मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए तो आगे देखिए दो नंबर, जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इस चीज को यहां पर मैंने प्रूफ किया होगा, किया हो इस जगह पर मैंने किया है। अब तो जेड इंटू जेड का जो कॉन्जुगेट आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो क्या मैं इस जगह पर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो बोलिए, तो ये चीज आपका क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने इसको यहां पर रख दिया। और मैं कैसे इसको लिख पाया हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन वन यहां से मैंने लिखा। अब जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट निकालूंगा, तो जेड बराबर आपका एक्स प्लस आयोटा वाई है, प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई कट जाएगा और टू एक्स बच जाएगा, और ये जो 2x है, 2 इंटू ये जो x क्या था, ये रियल पार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसलिए मैं लिख दिया कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट या फिर 2 इंटू रियल पार्ट, ठीक है। अब z इक्वल टू आपका क्या है, माइनस इंफिनिटी डॉट 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 माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू ए माइनस इंफिनिटी, सॉरी इधर आपका क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और z प्लस क्या आपका सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये यहां से यहां तक ही रिप्रेजेंट कर पाएगा,
और जेड माइनस जो है कि वो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, वो सिर्फ जीरो, तो फिर वो कहां से कहां तक रिप्रेजेंट करेगा ध्यान दीजिएगा, वो माइनस वन से लेकर के यहां यहां तक जो है रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। जीरो का हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करते हैं, और जेड जो होगा ये टोटल इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा जीरो। देखिए ये स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब ऐसे भी आप रिप्रेजेंट करते थे बचपन में, ठीक है, क्लास नाइन टेंथ में, है ना। लेकिन आप लोग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया, इसीलिए आप लोग मतलब की जो होल इंटीजर्स टोटल इंटीजर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जीरो प्लस माइनस वन, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, डॉट डॉट डॉट, प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो चलिए यहां तक, अब आगे बताता हूं। तो अभी देखिए आगे है आर्गन डायग्राम, ये अभी मैं समझाने जा रहा हूं। आर्गन डायग्राम क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंट करते हैं, पोलरली रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है देखिए, मैं लिखा हूं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलरली रिप्रेजेंट करने के लिए आर्गन डायग्राम का हम लोग मदद लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, देयर आर टू ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो दो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग आर्गन डायग्राम के मदद से पोलरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलरली रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो है कि एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करना, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसको आप जो है कि पोलरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अगर देखिए पोलरली रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है ना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कोई एक पॉइंट है मान लीजिए वो एक्स और वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये पोलरली रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया है। क्या किया हम लोग, कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया है। अगर पोलरली रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, आर कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आर डिस्टेंस है, और ये कुछ ना कुछ ये एंगल बना रहा होगा, ये थीटा मान लीजिए एंगल बना रहा होगा, तो यहां पर आर का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं टू, और ये जो थीटा है मान लेते हैं 30 डिग्री। तो ये ऐसा रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना, इसको हम लोग पोलरली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। जरा देखिए कैसे लिखेंगे इसको, पहले मैं जो है कि इरेज कर देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में रहे, उसको अगर हम लोग पोलरली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को आर्गन डायग्राम का मदद लेना पड़ेगा। जिस डायग्राम में हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी डायग्राम को जो है कि हम लोग आर्गन डायग्राम कहते हैं। ये जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, इसी डायग्राम को आर्गन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए सिर्फ एक्स और वाई पर अगर हम बात करें, सब कुछ करो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तब इसको हम लोग कार्डिजियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डिजियन कोऑर्डिनेट। और अगर मान लीजिए r और r कॉमा थीटा पर बात करेंगे, ये फिर नहीं रहेगा, ये फिर नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे ये क्या है मेरा, कौन सा जो है कि डायग्राम है, ये तब कहेंगे आर्गन डायग्राम है, ठीक है ना। अब देखिए पैरा नंबर, एज द पॉइंट पी कॉमा पी एक्स वाई, मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर कोई पॉइंट है P, इसको हम लोग x कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स वो है x कॉमा वाई इन दी एक्स वाई प्लेन, तो हम लोग ये जो है कि एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो फिर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से लिखेंगे, या फिर कार्टेशियन सिस्टम की मदद से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है कि आपका जो है कि एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है कि एक्स वाई प्लेन पर, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन पर आप जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपका जो है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज कीजिए ये जो पॉइंट है, एक्स का वैल्यू टू है, यहाँ पर थ्री है, तो मैंने क्या कहा आप समझिएगा कि आप जो है कि P जो है पॉइंट एक्स कॉमा y इन द एक्स वाई प्लेन, आप एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है ना। अब जरा देखिए एज द वेक्टर ओपी, सपोज कीजिए अगर आपको कोई वेक्टर ओपी को रिप्रेजेंट करना है, तो फिर आप क्या कीजिएगा, देखिए ये पॉइंट आपका P है और ये ओरिजिन है, ठीक है ना, तो ओरिजिन से आप P पॉइंट तक एक
लाइन ड्रॉ कीजिएगा ये वेक्टर के जैसा, ठीक है। और ये जो आपका होगा ये ओपी वेक्टर होगा, ठीक है ना, ये ओपी वेक्टर है। लेकिन अगर आप इसका मॉडुलस निकालना चाहेंगे तो इससे आपको जो है कि डायरेक्शन को हटाना पड़ेगा। अब मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, और इसमें अगर मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ये देखिए, यहां से यहां तक ये एक्स, ये एक्स वेक्टर है और ये वाई वेक्टर है, आप समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए। अगर आप इसको अगर निकालना चाहेंगे, ओपी वेक्टर को निकालना चाहेंगे, ओपी वेक्टर का मॉडुलस निकालना चाहेंगे, तो इस वेक्टर का अगर आप क्या इसको आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो इससे डायरेक्शन हट जाएगा, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये जो चीज है ये आपका वेक्टर नोटेशन है, वेक्टर ओपी फ्रॉम द ओरिजिन टू पी, ये ओरिजिन से पी की ओर बता रहा है कि ओरिजिन से पी की ओर वेक्टर है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब जरा देखिए इन ईच रिप्रेजेंटेशन, हमने दिखाया कि हम लोग किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कार्टेशियन पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने अभी दिखाया क्या कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आप पहले से भी जानते थे। तो वही बात कह रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गन डायग्राम में, ये सब आर्गन डायग्राम कहलाता है, ठीक है ना, इन आर्गन डायग्राम्स में हम जो है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन ईच रिप्रेजेंटेशन, हर एक रिप्रेजेंटेशन दी एक्स एक्सिस, हर एक रिप्रेजेंटेशन, चाहे आप ये वाला रिप्रेजेंटेशन बोलिए एक्स वाई प्लेन का रिप्रेजेंटेशन या फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बोलिए, ठीक है ना, तो हर हालत में क्या होगा, तो जो एक्स एक्सिस होगा, जो एक्स एक्सिस होगा ना, वो एक्स एक्सिस क्या कहलाएगा, रियल एक्सिस कहलाएगा, और ये वाई एक्सिस क्या कहलाएगा, ये जो वाई एक्सिस इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे, ठीक है ना। अब जरा देखिए बोथ रिप्रेजेंटेशंस आर आर्गन डायग्राम्स, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और जिसमें हम लोग कार्टेशियन पॉइंट्स को या फिर आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों रिप्रेजेंटेशन के जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है जिसमें वो रिप्रेजेंट होते हैं, जिस प्लेन को रिप्रेजेंट होते हैं, उस प्लेन को आर्गन डायग्राम कहते हैं, ठीक है ना, और किसके लिए, तो भाई एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए, ठीक है ना। अब जरा देखिए इन टर्म्स ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर आपको पोलर में पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए, देखिए आप जो है कि थक चुके हैं कि एक ही चीज में कि एक्स वाई लिख करके किसी भी पॉइंट को आप एक्स कॉमा वाई लिख लिख के थक चुके हैं, ठीक है, तो अब थकने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग पोलरली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जरा देखिए कैसे, तो जेड बराबर अगर एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा पुट करेंगे और वाई की जगह पर आर साइन थीटा पुट करेंगे, और आर को कॉमन निकाल लेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सर ये कहां से ले आए, ये अपने मन से कैसे आप लिख सकते हैं, प्रूफ दीजिए सर, मैथ में तो प्रूफ होता है ना, तो भाई प्रूफ दे रहे, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। वी डिफाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए पहले ये आपको जानना पड़ेगा, हम लोग जो है कि डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू बोलिए या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बोलिए, दोनों का दोनों बात सेम है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को बताता है, नेगेटिव को बताता नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर में से अगर रूट के अंदर अगर नेगेटिव फंस जाएगा तो फिर वो इमेजिनरी हो जाएगा, इसीलिए ये हमेशा जो है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को बताता है और मॉडुलस वैल्यू को बताता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। मैं क्या बताना चाह, मॉडुलस में हम लोग जनरली रूट का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, तो अंदर में नेगेटिव नहीं आ सकता, अंदर में नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, इमेजिनरी बन जाएगा, इसीलिए मैंने कहा वी डिफाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है या फिर मॉडुलस वैल्यू होता है वो किसका होगा, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होगा। तो टू बी लेंथ, इसका जो मॉडुलस वैल्यू होगा ना, इसका जो मॉडुलस वैल्यू होगा मतलब ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉडुलस वैल्यू है किसका, तो मॉड जेड का, ठीक है ना, मॉड जेड का मॉडुलस वैल्यू है ये चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका जो होगा टू बी लेंथ, ये क्या बताएगा, लेंथ ऑफ आर, ये आर क्या बताएगा, ये लेंथ बताएगा, ये लेंथ ओपी का लेंथ बताएगा, ए वेक्टर ओपी, जो वेक्टर ओपी है ना भाई मेरे, ये देखो ये ओपी वेक्टर जो है ये इसी का लेंथ बताएगा आर, ठीक है ना, एसी का लेंथ बताएगा ये आर, तो फ्रॉम दी ओरिजिन, कहां से बताएगा, तो ओरिजिन से बताएगा, जरा देखिए यहां से ओरिजिन से बताएगा ओपी वेक्टर का जो लेंथ है ना भाई मेरे, ओपी वेक्टर का जो लेंथ है उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो आर बराबर क्या होगा, मॉड जेड, मॉड जेड मतलब क्या होगा, तो जेड क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका मॉड होगा, इसका मॉड मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। चलिए आगे देखते हैं,
मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा और वाई की जगह पर आर साइन थीटा कहां से आया है, जरा देखिए इसको प्रूफ मैं कर रहा हूँ। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां से यहां तक आपने एक्स डिस्टेंस तक चला है, यहां से लेकर के यहां तक आपने एक्स डिस्टेंस तक चला है, यहां से लेकर के आपने वर्टिकल लाइन पर जो है कि वाई एक्सिस तक चला है, तो ये पॉइंट आपका पी एक्स वाई होगा, यहां तो तुम मान के हो। और देखो जरा, यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको मालूम है घड़ी के विपरीत दिशा में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, पॉजिटिव बनता है, और घड़ी की दिशा में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव एंगल बन रहा है। और ये आर जो है, ये आर ओपी वेक्टर का लेंथ को बता रहा है, ये जो आर है ये ओपी वेक्टर का लेंथ को बता रहा है। जनरली हम लोग क्या कह सकते हैं, ओपी का आप जो है कि यहाँ पर मॉडुलस निकाल रहे और वो ये आर है, ठीक है ना, वो ये आर है, ठीक है ना, और इसमें से डायरेक्शन नहीं है। चलिए देखिए प्रूफ करते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एट, ये तो मानते हैं। तो बी क्या है, इस ट्रायंगल ओपी, इसका नाम दे देते ए, तो ओपी ए में जो है कि आपका हम निकालने जा रहे हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी का वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक ओ ए, तो ओ ए बोले तो एक्स रख दिए, और एच, एच मतलब हाइपोटेनस, ये क्या है आपका आर है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, यहाँ पर आर रख दिए। अब ये एक्स यहाँ पर आ गया, ये आर डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये इक्वेशन वन हो गया। अब चलो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो P क्या आपका वाई है, जरा देखिए P क्या वाई है, और ये हाइपोटेनस क्या है R, देखिए हर हालत में R हो रहा है, तो यहाँ पर R लिख दिए, तो यहाँ पर Y की जगह पर क्या हो गया R sin theta, तो Y इक्वल टू R sin theta, ये इक्वेशन टू और ये इक्वेशन वन, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दोनों में से हम लोग मिला के लिख सकते हैं। जेड बराबर आप एक्स प्लस आयोटा वाई लिखे थे, तो एक्स की जगह पर आप आर कॉस थीटा, हम यहाँ पर प्रूफ हो गया, तो एक्स की जगह पर आपने प्रूफ कर दिया आर कॉस थीटा, वहां पर रख दीजिए, और y के जगह पर आपने प्रूफ कर दिया, देखिए जरा यहाँ, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं x इक्वल टू r cos थीटा, यहाँ पर r cos थीटा x के लिए रख दिए, और y बराबर आपका r sin थीटा है, तो r sin थीटा आपने वहां पर रख दिया, और यहाँ पर r कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और r जो ये डिस्टेंस होगा, जब मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 यूनिट होगा, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर दें, अगर मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि r बराबर आपका रूट टू आ गया, सपोज कीजिए, तो यहाँ पर रूट टू रख दें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, समझ रहे हैं। तो आज हमने बताया है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, इसके बाद मैंने दिखाया इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, पोलरली किसी भी कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब चीज, ठीक है, और एकदम बेसिस क्लास आज हुआ था, इंट्रोडक्शन से एकदम शुरू से, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताया कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो आप वॉच कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है कि हमारा मनोबल और बढ़ेगा, और आप लोगों के लिए हम लोग का एक साहस क्रिएट होगा कि चलो भाई बच्चा लोग इतना लाइक किया, इतना सपोर्ट किया है, तो फिर और भी वीडियोस बनाया जाए। तो आप चिंता मत कीजिए, हमारा यहाँ पर जो वीडियो है ना, ये कंटिन्यूअस चला आएगा, कंटिन्यूअस रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9693967379, तो यहाँ पर आप जो है कि कॉल करके, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, इस पे जो है कि कॉल करके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो को देखिए।